हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप गाइस? कल रात को हम आए थे तो यार आज से पूरा दिन में ही आज हमारी तबीयत ख़राब हो रही है। मेरे को जुकाम और फीवर हो गया था और मैं ऑफिस के लिए रेडी भी हो रहा था तो गाइस मैं उठ नहीं पाया फिर उसके बाद में, तो इसलिए मैं आज फिर ऑफिस नहीं जा पाया गाइज। उसके बाद में फिर हम सो गए, सो के उठे, परी की भी यार फीवर हो गया, परी के भी फीवर हो गया। देखिए गाइज, देखिए गाइस, परी। हाय परी, कैसे हो आप? आपकी फीवर? मैं भी ठीक हूँ। आप, क्या हो गया आपको? फीवर हो रहा है? तो गाइज परी के भी फीवर हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे आके पता लगा मम्मी के भी, पर शिवाय परी की दादी के भी फीवर हो रहा है, शिवाय परी के चाचू के भी फीवर हो गया, जुकाम हो गया। और परी की मम्मा बहुत हेल्प कर रही है, बहुत काम कर रही है हमारे लिए। और गाइज मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो बहुत सबके अच्छे के लिए, जो इस टाइम वायरल चल रहा है उसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट बताऊँगा आपको। तो गाइज सबसे पहले आपने पानी को उबालना है, पानी को उबाल के फिर आपने इस ऐसे से कोई बड़ा सा बाउल लेना है, उसमें लहसुन को कूटना है, चार पांच लहसुन को कूट कर फिर उसके अंदर ये वाला गरम पानी डालना है। फिर गरम पानी डाल के गाइस फिर इसको थोड़ी देर के लिए आपने फिर इसकी स्टीम लेनी है। आपने जो आपकी नाक बंद, गले का दर्द और ये जो भी है सब कुछ गाइस खुल जाएगा। देखिए गाइस, ऐसे लेते हैं भाप को पूरा कवर करके, इससे बहुत रिलीफ मिलता है। हम जब भी कुछ होता है मतलब कोल्ड वगैरह तो हम ऐसे ही लेते हैं और बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। पूरा अच्छे से कवर होगा ना तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हमें इसका। ये बच्चे भी ले सकते हैं पर बच्चों को लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हल्का गर्म लेके अगर लेना चाहें तो बच्चे भी इसको ले सकते हैं। वैसे लहसुन की खुशबू जो होती है ना वो बहुत तेज होती है, वो हमारे नाक के अंदर तक जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ सा मिलता है। गाइस जब तक इसमें ये धुआं निकल रहा है मतलब इसकी जो फ्लेम है वो जब तक आती रहना तो हमें लेते रहना चाहिए, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। गाइस वैसे तो ये घर का नुस्खा है और दवाई से बहुत ज़्यादा बेटर है। आप देखते हैं इनको कितनी देर में रिलीफ मिलता है या क्या होता है। वैसे तो इनको हर टाइम जल्दी रिलीफ मिल जाता है। हमने मेडिसिन भी मंगाई है और ये भी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि इनको 2 दिन हो गए तबीयत खराब हुए, दवाई ले रहे थे उससे रिलीफ नहीं मिल रहा था। अब घर आ गए हैं, घर आके स्टीम ले रहे हैं तो शायद उससे जल्दी रिलीफ मिल जाए। सो गाइस, स्टीम लेने से बहुत ही रिलीफ मिला है और बहुत रिलीफ मिलता है इससे, क्योंकि जो है लहसुन है इसका, इससे भाप लेने से पूरी नसों तक अंदर जाता है और इससे बहुत आराम मिलता है। जैसे बच्चों को हम गाइस वो देते हैं ना स्टीमर, ऐसे ही ये बड़ों के लिए भी बहुत बेनिफिट है। और गाइस बड़े कुछ करते नहीं थे ना क्योंकि आजकल ज़्यादा सारे दवाइयों पे रहते हैं, और ज़्यादा अगर पुराने लोग भी कहते हैं कि ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो पुरानी नुस्खे जो होते हैं वो बहुत काम आते हैं। और गाइस मैंने तो ले लिया है और आपको भी वायरल हो रहा है तो आप भी लीजिए गाइस, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप। सो गाइस खाना आ गया है और खिचड़ी बनी है खाने में। हाँ खिचड़ी बनी है गाइस आज। और गाइस हमेशा कभी भी ऐसा तबीयत ख़राब हो या खांसी जुकाम हो हमेशा लाइट खाना खाना चाहिए, जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस ये हमने बनाई है खिचड़ी, देखिए गाइस, और उसमें थोड़ी सी प्याज भी बनाई रखी है साथ में, क्योंकि गाइस थोड़ा सा चटपटा मूवी हो रहना चाहिए ना। सो गाइस देखिए, जैसे कि हमने पूरा अपना दवाई का बॉक्स बना रखा है बच्चों के लिए, पूरी सारी दवाइयाँ हमने एक सारे बॉक्स में रख रखी है। और अब तब परी को हमने दवाई भी पिला दी है तो, और शिवाय को भी। तो गाइस मैं भी अब अपनी दवाई खा रहा हूँ,
दवाई खा के फिर हम सोने की तैयारी करते हैं, तभी रिलीफ मिलेगा। तो चलो दवाई खा लूँ गाइज। तो गाइज हमने खाना पीना खा लिया है और दवाई भी खा ली है। परी की शक्ल देखिए आप और मेरी भी शक्ल बहुत सैड हो रही है। तो गाइज अब जल्दी से आप प्रेयर कीजिए हम दोनों ठीक हो जाएं और सुबह तक हम बिल्कुल ओके हो जाएं। तो गाइज आई होप आज का व्लॉग आप यही एंड करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ओके बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।